अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैंने इंटरनेट पे इतने सारे घटिया वीडियो देखे हैं, बकवास वीडियो, जिसमें बोलते रहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग होती है, मोबाइल से आप लाखों डॉलर कमा सकते हो, मतलब डेली के आप 100 डॉलर, 200 डॉलर, ऐसे कई वीडियो मेरे सामने आते रहते हैं। मैं तो इनसे तंग आ गया हूँ। क्या इनमें से कुछ हकीकत भी है या सिर्फ फजूल वीडियो ही बनाते रहते हैं लोग? देखिए, अगर आप काम करेंगे तो ये बिल्कुल हकीकत है, आप ऑनलाइन जो है पैसे कमा सकते हैं और पाकिस्तान क्या दुनिया भर, इससे नौजवान जो है दुनिया भर के वो पैसे कमा रहे हैं। ऑनलाइन अर्निंग कोई जो है अब सपना नहीं रहा, आप बिल्कुल इससे कमा सकते हैं। अगर लगन हो कमाने की तो आप पैसा कमा सकते हैं, आप ऑनलाइन कमा सकते हैं, वो भी वीडियो बना के। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो आप दिखाना चाहते हैं, जो भी आपका हुनर है, कोई भी ऐसा काम है जो आप करना चाहते हैं या फिर करते हैं, उसका आप वीडियो बना के और अच्छा कंटेंट बना के यूट्यूब पर अपलोड करके आप जो है पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए आपने एक यूट्यूब का मुकम्मल एक चैनल बनाना होता है, चैनल पर आपने वो वीडियो अपनी लगातार अपलोड करनी होती है और तकरीबन 1 साल आपने जो है दिल से मेहनत करनी होती है उसमें। जैसे ही आप मेहनत करते जाएंगे तो आपका चैनल ग्रो होगा, व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे और आप यूट्यूब से वीडियोस बनाकर पैसा कमा सकते हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो मतलब इनमें हकीकत है कुछ में? जी हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है। ये 2023 का ज़माना चल रहा है और बहुत सारे लोग इससे पैसे कमा रहे हैं। यहाँ आप जो ऐसे सवालत कर रहे हैं, ये अजीब सा मुझे लगता है कि अब दुनिया में ऐसे भी लोग रह रहे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, इस मोबाइल का कोई ज़माना नहीं रहा, आपने स्मार्टफोन का ज़माना देख लिया है। आपके पास स्मार्टफोन है तो आप स्मार्टफोन यूज़ करके, कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करके जो है अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आपने किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो आप हरेरों की गुलामी करते हैं, उनकी खेती बाड़ी करते हैं, इन सबसे आप छुटकारा पा सकते हैं, किसी की जो है सरकारी ड्यूटी से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी जो है खुद की मेहनत से ऑनलाइन अर्निंग करके आप जो है बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें सबसे नंबर वन पे मेरे ख्याल पे यूट्यूब है, उसके बाद फ्रीलांसिंग की कुछ वेबसाइट्स आती हैं जिसमें अपवर्क और फाइवर बहुत ही बढ़िया और टॉप पर जो हाई रैंक वेबसाइट्स हैं। इनसे पाकिस्तानी जो है बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, इंडियन कमा रहे हैं, दूसरे आप वहाँ पर अपनी स्किल सेल करके जो है पैसे कमा सकते हैं। तो आपके जहन में अगर कोई और भी सवाल है तो मैं उसका जवाब देने के लिए कहूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। यूट्यूब का क्राइटेरिया क्या होता है? मतलब यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो डालते ही पैसे देना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वीडियो डालते ही आपको पैसा मिले। इसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसमें आपने जो है सबसे पहले तो यूट्यूब पर चैनल बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने उस चैनल को जो है वीडियो डालकर अपलोड करके एक निच क्रिएट करनी होती है, जो कि आपने उस पर लगातार वीडियोज़ अपलोड करने हैं, ठीक है। जैसे ही आप उस पर लगातार वीडियोज़ अपलोड करते जाएंगे तो आपके जो उनकी क्राइटेरिया है, जो पॉलिसी है, 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करना होता है, 1000 सब्सक्राइबर, उसके बाद आपने एडसन का अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ही आप एडसन का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपका चैनल एडसन में जो है यूट्यूब का जो है रिव्यू में जाएगा। उसके बाद अगर आपका चैनल पॉलिसीज़ के खिलाफ वर्जी नहीं करता, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ वायलेशन नहीं करता, ठीक है, तो आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा और उसके बाद आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। और वो भी बहुत कम अर्निंग से आप शुरू करेंगे, जैसे जैसे आपके वीडियोस वायरल हो जाएंगे तो आपको जो है अर्निंग मंथली इनकम आनी शुरू हो जाएंगे। आपको कम से कम $2 का सीखने तो पाकिस्तान में मिलेगा ही मिलेगा व्लॉग के वीडियोस पर। अगर आप टेक्निकल वीडियोस बनाते हैं उसका सीपीएम आपको हाई मिलेगा, 1000 व्यू पर 3 से 4-5 डॉलर तक भी टेक्निकल वीडियोस पर सीपीएम चल रहा है इस वक्त। तो पाकिस्तान का सीपीएम थोड़ा लो है, लेकिन जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे आप उतने ज़्यादा अर्निंग यूट्यूब से कर सकते हैं। ये सारी बातें सुनते एक सवाल बहुत जन्म लेता है इनमें से, जी बताइए। वो सवाल ये है कि यूट्यूब हमें पैसे क्यों देगा? यूट्यूब पागल है? यूट्यूब पागल नहीं है। यूट्यूब पर जो है बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे कि आप टीवी पर कोई प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें ऐड चलते हैं, 5 मिनट के 10 मिनट के बाद कुछ ऐड आ जाते हैं, जैसे सर्फ एक्सल का या फिर किसी टेलीकॉम कंपनी का, ऐसे बहुत सारे एड्स आ जाते हैं। तो वो एड्स जो हैं वो
उस टेलीकॉम कंपनी को स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, टेलीविजन प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं। इसी तरह अभी जो स्मार्टफोन का ज़माना है, लोग ज़्यादातर स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, टीवी न्यूज़ देखते हैं या फिर क्रिकेट का कोई लाइव मैच कभी कभार देखते नहीं, तो स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए ये अब कंपनीज जो हैं स्पॉन्सर कर रही हैं यूट्यूब पर, और वो यूट्यूब उसका जो है 45% हमें दे रहा है उस स्पॉन्सर का पैसा, और 55% तकरीबन खुद रख रहा है या फिर हमें दे रहा है। यही कुछ ऐसा है, स्पॉन्सर के जरिए जो पैसा आता है यूट्यूब को वो हमें भी देता है, खुद भी रखता है, तो इसीलिए इसको यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम कहा जाता है, जिसके ज़रिए हमें पैसे मिलते हैं। यूट्यूब कोई पागल नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्रांड है इस वक्त, जिससे आप करोड़ों कमा सकते हैं। मिलियंस में जो व्यूज़ ले रहे हैं वो करोड़ों कमा रहे हैं। जैसे कि मनोज देव इंडिया का एक बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला यूट्यूबर था, इस वक्त बहुत अमीर बन चुका है। पाकिस्तानी मोहम्मद हसन व्लॉगर जो था, एक गरीब घराने से पेट्रोल पंप पर ड्यूटी करता था, वो इस वक्त बहुत अमीर हो चुका है। इसी से यूट्यूब से इसी साल में वो अमीर बना है, और उसकी बहुत बड़ी पेमेंट अब आने शुरू हो। तो इससे ऐसा नहीं होता कि यूट्यूब को अगर ज़्यादा पैसे मिलते हों और वो यूट्यूब हमें थोड़े कम पैसे दे और वो यूट्यूब खुद ज़्यादा रखता हो? नहीं, ये तकरीबन ऐसा नहीं है, 50% ही है, कुछ यूट्यूब रखता है 50% और हमें भी यही दे देता है, कुछ 5% हमसे ज़्यादा रखता है, और ये भी हमारे लिए बहुत सारे पैसे हैं। आप अगर आपका वीडियो वायरल चला जाए तो आप एक दिन में करोड़पति बन सकते हैं। एक पाकिस्तानी लड़का था जिसकी मैंने एक वीडियो देखी थी, जो कि 155 मिलियन में बिल्कुल उठ पठान हरकतें कर रहा था और उसके 155 मिलियन व्यूज़ आ गए, ठीक है, 155 मिलियन व्यूज़। और CPM नॉर्मल CPM लगा लें $1.5 या $2 का तो होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने करोड़ उसने एक रात में कमाए। तो ऐसे ही ये जो सिंधी सॉन्ग एक वायरल हुआ, ये मुमताज़ मौलाई का, मुमताज़ रातों रात मिलियंस में चला गया। सोचो, मौलाई ने तो रियो गाड़ी वहीं से खरे यूट्यूब से ही खरीद ली होगी, इतने पैसे उसने एक वीडियो से कमा लिए। तो आप भी ऐसे वायरल हो सकते हैं, ऐसी पटांग हरकतें नहीं, लेकिन आप जो भी। अच्छा, इसी तरह यूट्यूब का तो बात ज़्यादातर क्लियर हो गई, क्या इसी तरह वही वीडियो अगर बंदा यूट्यूब पर अपलोड करता है फिर फेसबुक पे भी अपलोड करके पैसे कमा सकता है, या फिर फेसबुक के लिए अलग से वीडियो क्रिएट करने पड़ेंगे? बिल्कुल, आप वही वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं। अगरचे आपने यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाया है और वो रियल कंटेंट है आपका, और कोई सेम चैनल जैसे पेज है आपका वो आपने फेसबुक पर भी बना लिया, तो आप दोनों पर एक साथ वीडियो अपलोड कर सकते हैं, एक तरफ यूट्यूब पर एक तरफ फेसबुक पर, और आपका फेसबुक पर भी जो है वो वीडियो वैसा ही चलेगा। और फेसबुक पर तो व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं, या रिकमेंडेशन होती है, और यूट्यूब में सर्चेज का जो है टैग वगैरह लगता है थोड़ा ज़्यादा होता है, फेसबुक आपको रिकमेंडेशन ज़्यादा करता है, आप फेसबुक से भी यूट्यूब की तरह बिल्कुल पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में इसका जो है इनस्ट्रीम एड का जो ऑप्शन है अभी तक चालू नहीं हुआ, आप स्टार मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन कर सकते हैं इसमें से, और स्टार मोनेटाइजेशन के लिए आपको जो है फेसबुक का सिर्फ 1,000 फॉलोअर्स की ज़रूरत है, जबकि इनस्ट्रीम एड जैसे कि आप यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कराते हैं, फेसबुक पर ऐसे अपना जो पेज है मोनेटाइज करने के लिए आपको कम से कम 5,000 फॉलोअर्स और 60,000 वॉच टाइम मिनट की ज़रूरत होती है। 60,000 मिनट्स या 60,000 घंटे? नहीं, मिनट की ज़रूरत होती है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म की भी बात कर रहे थे आप? क्या पता नहीं, आप लोग कह रहे थे फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लाखों रुपए एक घंटे में कमा सकते हैं। घंटे में आप कमा सकते हैं, क्योंकि आप वायरल जाने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपने अपनी स्किल सेल करनी होती है। आप क्या जानते हैं, लोगो बनाना जानते हैं, थंबनेल बनाना जानते हैं, वीडियो एडिटर हैं, या फिर कोई भी ऐसी स्किल जो आप में है, आप में जो खासियत है, वो आपने फाइवर पर जाके अपनी गिग बनानी है, तो लोग आपको देखेंगे। अगर लोगों को आपकी उस जो स्किल है उसकी ज़रूरत होगी तो आपसे वो कॉन्टेक्ट करेंगे और आपसे वो काम करने की जो है दरख्वास्त करेंगे। तो आपने उनका अगर काम ठीक से पूरा किया और अप्रूवल आ गया फाइवर का, तो उनको काम आपके जो ग्राहक है उनको अच्छा लगा, तो आपको पेमेंट, आप अपनी मर्जी से उनसे पेमेंट ले सकते हैं, $15 फी घंटे का भी ले सकते हैं, और उनका एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का $200-$250 भी ले सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, कोई एक सॉफ्टवेयर आपने अगर बना कर दिया तो उसका आप $500 भी ले सकते हैं, उसके बाद उसका जो है बग फिक्सिंग वगैरह का भी आप बहुत सारा पैसा ले सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट का क्या चक्कर होता है, वेबसाइट से कैसे पैसे कमाए जाते हैं?
वेबसाइट जो है बहुत आसान है, सबसे आसान और बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म जो है वेबसाइट का है। इसमें आप जो है, मैं आपको बता दूँ कि वेबसाइट से जो है आप अर्निंग बिल्कुल यूट्यूब की तरह ही कर सकते हैं, लेकिन ये आपको 90% आपको कमाई आपकी होगी इसमें। 90% मतलब 10% वो अपना 10 या 5% ही जो है गूगल आपसे, गूगल एडसेंस जो है आपसे काटेगा, बाकी ये सारी पेमेंट आपको मिलेगी जो है। वेबसाइट पर आप ऐसे कंटेंट्स लगा सकते हैं जो कि गूगल सर्च कंसोल है उसमें जाए आपकी वेबसाइट, और जो है आपके जो है जो कीवर्ड्स हैं वो टॉप में रैंक करेंगे। जैसे ही वहाँ पर आपकी मिलियंस में व्यूज आ जाएंगे तो वेबसाइट आपको घंटों में ही कर सकती है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, वेबसाइट के जरिए आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आपने वेबसाइट एक बहुत अच्छी डिज़ाइन करनी है जो कि दिखने में अच्छी हो, जो भी यूज़र्स उसमें आए उनके ऐसे कॉन्टेंट्स हो जो रोक के रखें वहाँ पर वेबसाइट पर। आपने ट्रेवल गाइड ब्लॉग बना लिया, ठीक है सर, वहाँ पर आप टिकट गाइड दिखा रहे हैं और कहाँ से कहीं जाने की जो टिकट्स का रेट दिखा रहे हैं ऐसे। ये ट्रेवल का ब्लॉग है, ये जल्दी मोनिटाइज होता है और ये पाकिस्तान में आप या दुनिया भर में आप इसे भी ये जो है ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वेबसाइट जो है वेब अच्छा, ये सारा कुछ राइटिंग में लिखना होगा मतलब? हाँ, ये लिखना होगा। इसमें सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम पाकिस्तानियों के लिए ये है कि यूनिक कंटेंट ये नहीं लिखते। पाकिस्तानी में एक क्रिया है कि कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं, ये कहते हैं कि काम कोई और करे और पैसे हम कमाएं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आपने यूनिक कंटेंट लिखते हैं, लेकिन इसमें फिर एक ChatGPT ने मसला खड़ा कर दिया कि पाकिस्तानी आर्टिकल लिखने जाता है सीधा ChatGPT में AI की मदद से आर्टिकल लिखते हैं, उसको थोड़ा रहा तो बदल करके जो है कहता है कि ये यूनिक हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि AI डिटेक्टर है, प्लैगियरिज्म डिटेक्टर है, तो बहुत जो है हमसे स्मार्ट है, हम उससे स्मार्ट नहीं हो सकते। तो जितना आप अपने दिमाग से काम करेंगे, खुद का काम करेंगे, यूनिक करेंगे, तो आप यकीनन वेबसाइट से बहुत पैसा कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग से बहुत पैसा कमा सकते हैं। करूँ मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक में दे देता हूँ, उसमें आप जाकर ब्लॉगिंग के वीडियोस देख सकते हैं। मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल सिखाता हूँ और ब्लॉगिंग से मैं कमा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। आज की गुफ्तगू में मेरा जो जहन में जो सवाल था ना वो तमाम तक क्लियर हो चुके हैं, थोड़े बहुत रहते हैं वो नेक्स्ट किसी मीटिंग में कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि दिमाग पे ज़्यादा बोझ देना भी अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।